हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाई 83 मूवी आर बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ दिस ईयर एंड अदर साइड पुष्पा व्हाई आर मैसिव ब्लॉकबस्टर। अभी दो तीन दिन से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने अभी तक पुष्पा और 83 को कभी कंपेयर करके देखा ही नहीं कि एक्चुअल रीजन क्या है जिस वजह से ये हिट हो रहा है और ये फ्लॉप हो रहा है। तो 83 से पहले जो पुष्पा रिलीज हुआ था, 17 दिसंबर 2021 और 83 रिलीज हुआ था 24 दिसंबर 2021 को, जहाँ पे कि पहले पुष्पा रिलीज होने जा रहा था। मैक्सिमम 8 दिन का डिफरेंस था पुष्पा और 83 के रिलीज में। एंड जिस दिन पुष्पा रिलीज हुआ था इंडियन बॉक्स ऑफिस के अंदर, एंड उसके बाद नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव कमेंट्स, कंट्रोवर्सी की तो भी बारिश हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी पहले दिन से इस फिल्म ने जिस तरीके का एक रफ्तार पकड़ा है और सभी नेगेटिव रिव्यूज, सभी कंट्रोवर्सी को जवाब देते हुए पहले दिन से जो रफ्तार पकड़ा है, जो कलेक्शन करके दिखाया है हिंदी के अंदर, फर्स्ट टाइम हिंदी के अंदर आने के बावजूद, फर्स्ट टाइम अल्लू अर्जुन पैन इंडिया के अंदर आ रहे, उसके बावजूद इस फिल्म ने हिंदी के अंदर जिस कदर परफॉर्मेंस किया है, सबकी बोलती बंद किया है, एंड आज भी वो छप्पर भर कलेक्शन हिंदी के अंदर करे जा रहा है। एंड इसके ठीक ऑपोजिट 8 डेज के बाद 24 दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ इंडियन बॉक्स ऑफिस के अंदर कपिल देव सर की, यानी इंडिया की फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप विनिंग मूवी, जिसके मुख्य किरदार में यानी कपिल देव सर की भूमिका में नजर आए थे रणबीर सिंह, और भी प्रमुख एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इस बिग बिग खिलाड़ी के भूमिका में नजर आए थे। फर्स्ट डे जब ये मूवी लगा, बहुत ही अच्छा क्रेज था, बहुत ही अच्छा कलेक्शन, एंड सेकंड डे भी लगभग वैसा ही कलेक्शन को पकड़ कर रखा। थर्ड डे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था, एंड मेकर सोच रहे थे कि अपना फिल्म जो है निकल जाएगा। लेकिन उनका ये सोचना जस्ट एक सोचना ही था, क्योंकि जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, एंड वही मेकर्स जो कह रहे थे कि फिल्म निकल जाएगा, एंड वही मेकर्स अब क्या प्रे कर रहे हैं कि फिल्म का बजट अगर रिकवरी कर जाए तो जान पे जाना है। तो ये हुआ क्या और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम? जब पुष्पा रिलीज हुआ फर्स्ट डे से ही वैसा ही कलेक्शन को मेंटेन करके रखा। ऐसा नहीं था कि पुष्पा को सिंगल रिलीज मिला था, पुष्पा सिंगल हैंडेड रिलीज हुआ, उसके सामने भी स्पाइडरमैन जैसी बड़ी मूवी थी, फिर भी टक्कर से कलेक्शन कर ही रहा है और उसके सामने जो आया है वो बिखर गया है। और दूसरी तरफ 83 के रिलीज होने के 1-2 दिन बाद मानो थिएटर इस तरीके से साफ हुआ कि थिएटर के अंदर ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। 83 एक ऐसा मूवी है और 83 जिस सब्जेक्ट में बना है, 83 का जो सब्जेक्ट है, सभी इंडियंस की इमोशंस हैं इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि उस टाइम की बात है जब क्रिकेट के जगत में इंडिया को अंडरडॉग्स माना जाता था, उस टाइम पे कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि इंडिया 2-3 मैच भी जीतेंगी। सेमीफाइनल तो दूर की बात है, क्वार्टर फाइनल तो दूर की बात है, और फाइनल तो दूर की बात है। वर्ल्ड कप सभी के लिए सपना था, वहां पे इंडियन टीम खेली भी, जीती भी और घर में वर्ल्ड कप लेके आई। इतना इमोशन जुड़ा हुआ इस फिल्म के साथ, फिर भी लोग थिएटर के अंदर इस फिल्म को जाके नहीं देख रहे। व्हाई इज द एक्चुअल रीजन, क्या कारण है? क्या फिल्म अच्छा नहीं है? स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस गंदी थी? जी नहीं, कहानी भी बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से बनाया है उन लोगों ने इस फिल्म को रियलिटी दिखाने की ज़्यादा कोशिश की है, रियल करने की ज़्यादा कोशिश की है, और बहुत हद तक वो लोग सफल भी हुए हैं। लेकिन फिर भी लोग क्यों इस फिल्म को नहीं देखना चाहते? थोड़ा आप भी इस बात पे गौर कीजिए, आपको भी आंसर मिल जाएगा। आंसर है बॉलीवुड, और उसके आए दिन नए नए चर्चे और नए नए कारनामे। बॉलीवुड को शायद से बहुत फेमस सॉन्ग, बहुत फेमस मूवी के वजह से भी शायद से लोग उतना नहीं जानते जितना कंट्रोवर्सी के नाम पे जानते हैं, और अभी शायद लोग इस चीज को भूल भी चुके हैं और नजरअंदाज भी करते होंगे। अभी मानना ना मानना भी पूरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो सच है वो सच है। आए दिन नए नए कॉन्ट्रोवर्सी, नेपोटिज्म और जितने भी मामले हैं बॉलीवुड के अंदर, उनको भी अगर साइड करके आप देखने जाओ तो नया कुछ नहीं है, वो ही पुराना कॉपी पेस्ट, रीमेक चेपे जा रहे। लेकिन ऑडियंस अभी इस चीज़ से पूरा पक चुके, पूरा थक चुके, और ऑडियंस का जो टेस्ट है ना वो भी बदल चुका है। मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर जैसे आपको बताया था कि ऑडियंस का टेस्ट अभी बदल चुका है, वो अभी ऐसे चीज़ों के ऊपर टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। ऑडियंस को भी फ्रेश चीज़ चाहिए, नया चीज़ चाहिए, जिसके रूप पे भी पुष्पा मूवी आया है। एंड इसीलिए आज भी पुष्पा इतना ब्लॉकबस्टर कर रहा है, इतना हिट है, एंड सभी के जुबा पे इस मूवी का नाम है। 83 ये जो फिल्म है, इसका खराब परफॉर्मेंस करने का और एक रीज़न है। एक रीज़न तो बॉलीवुड का नेपोटिज्म, ये तो मैंने बताया, ये तो है ही, ये मस्ट ऑन कारण। एंड जो सेकेंड रीज़न है वो है इस फिल्म का अनएंगेजिंग स्टोरी। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस फिल्म का जो स्टोरी है वो एंगेजिंग नहीं है, इस फिल्म का स्टोरी एंगेजिंग है, लेकिन ये जो मेकर्स है, इस फिल्म को जो बनाए है, इस फिल्म का जो एक्चुअल जो कारण है, जो वर्ल्ड कप विनिंग है, उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिए है, खेल को ज़्यादा महत्व दिए है, जो एक्चुअल कारण है उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिए है, और स्टोरी के अंदर जो लव एंगल है, जो इमोशंस है, वो थोड़े से शायद से कम है इस फिल्म के अंदर, थोड़े फ्लेवर थोड़े कम है। और मूवी के अंदर अगर फ्लेवर कम होंगे ना तो शायद से लोगों को एंगेजिंग उतना फील नहीं होएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप समझ पाओगे, जो MS धोनी मूवी था, जो दंगल मूवी था आमिर खान का,
वो फिल्मों को देखो, वो भी रियल लाइफ स्टोरी है, एक क्रिकेट है, एक दंगल की दुनिया का है। जो एम एस धोनी के अंदर जो स्टोरी था, उसके अंदर लव था, इमोशन था, वो लास्ट का जो वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट था, वो सभी चीज़ें मिस मसाला एकदम था, जिस वजह से ये स्टोरी एकदम फुल ऑन एंगेजिंग बन के आता है एम एस धोनी। एंड उसके विपरीत जो दंगल था, वो भी दंगल के वेस्ट पे था, दोनों महिलाएं के ऊपर ये फिल्म थी, वो भी कितना फार लेवल के एंगेजिंग था, लव था, वो सभी चीज़ें, मजाक मस्ती, वो सभी चीज़ें। लेकिन इस फिल्म को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में और ज़्यादा सीधा सीधा पॉइंट रखने के चक्कर में शायद से इस फिल्म में थोड़ा सा एंगेजिंग फील ज़्यादा कम हुआ है, एंड इसी वजह से शायद से लोग इस फिल्म को उतना ज़्यादा एंगेजिंग नहीं कर रहे। एंड दूसरी तरफ जो पुष्पा मूवी है, उसके अंदर मास मसाला एंटरटेन, अल्लू अर्जुन की स्वैग, दमदार एक्टिंग, उनके एक्शन, उनके एग्रेस, वो सभी चीज़ें उस फिल्म के अंदर था, जिससे कि उस फिल्म को एक मास मसाला एंटरटेनिंग बिगेस्ट फिल्म बनाने में एकदम मदद करता है। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है द अल्लू पावर, यानी अल्लू अर्जुन की स्टारडम। अभी हिंदी के अंदर अल्लू अर्जुन का जिस कदर स्टारडम है, वो स्टारडम शायद से रणबीर सिंह का भी उतना नहीं है जितना स्टारडम अभी अल्लू अर्जुन का है। वो हिंदी के अंदर ले लो, वो साउथ साइड के अंदर ले लो, पूरे इंडिया के अंदर ले लो, द अल्लू अर्जुन स्टारडम इज अलग ही लेवल। अल्लू अर्जुन के जो पुराने फिल्म से अगर वो फिल्म भी अभी हिंदी डब में आ जाए ना, तो भी ये फिल्म शायद से 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे ही पार कर जाएगा। ये वजह है 83 और मैसिव फ्लॉप, ये वजह है पुष्पा ब्लॉकबस्टर इन हिंदी। दोस्तों आपको क्या लगता है 83 ऐसा कलेक्शन क्यों कर रहा है, लोग इस फिल्म को क्यों नहीं जाके देख रहे, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के अंदर इतना खराब परफॉर्मेंस करने का क्या रीजन है, और पुष्पा क्यों ब्लॉकबस्टर हो रहा है? जो मैंने पॉइंट बताया, क्या वो सभी पॉइंट वैल्यूएबल है? आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा मुझे आप कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते जाते आप लोगों के लिए यहां पे मैं दो वीडियो छोड़ के जा रहा हूं, किसी को देखो, एंजॉय करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।